दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉनिक चौक है, एक पुराना वाला है और एक नया वाला चौक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 6 वायर निकली हुई है, 4 पीछे की ओर और 2 आगे की ओर। पीछे की जो 4 वायर है वो ट्यूबलाइट के होल्डर में दो दो वायर कनेक्ट हो जाते हैं और आगे के 2 वायर सप्लाई देने के लिए होते हैं। इस चौक की टेस्टिंग के लिए आपको सीरीज बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपको सीरीज बोर्ड बनाना नहीं आता है तो उसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन में आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुराना वाला इलेक्ट्रिक चौक को चेक करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम पीछे होल्डर के दो दो वायर को आपस में कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। और फिर आगे के 2 वायर में हम सीरीज से सप्लाई देंगे। अब हम इसकी सीरीज से टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बार सीरीज बोर्ड को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा सीरीज बोर्ड अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। जब हम चौक में सप्लाई देते हैं तो बल्ब हल्का सा ग्लो करना चाहिए। अगर ज़रा भी ग्लो नहीं कर रहा है तो चौक खराब है, और अगर बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है तो भी चौक खराब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि ये चौक खराब है। अब हम नया वाला चौक ले लेते हैं और उसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। जैसे हमने पहले किया था उसी तरह पिछले 4 वायर को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, दो दो वायर को। उसके बाद हम सीरीज से सप्लाई देंगे। तो देखिए, जैसे ही हम सीरीज से सप्लाई देते हैं तो बल्ब हल्का सा ग्लो कर रहा है, यानी कि हमारा चौक बिल्कुल सही है। अगर बल्ब फुल ग्लो करे तो चौक खराब है, और अगर ज़रा भी ग्लो ना करे तो भी चौक खराब है। तो ऐसे ही अपने घर पे आप आसानी से इस चौक की टेस्टिंग कर सकते हैं। अब हम ट्यूबलाइट के ग्लास की टेस्टिंग करते हैं। इसकी टेस्टिंग के लिए दोनों साइड के टर्मिनलों पे हम सीरीज का सप्लाई देंगे। अगर बल्ब ग्लो होता है तो ग्लास बिल्कुल चालू है, अगर बल्ब ग्लो नहीं होता तो ग्लास बिल्कुल बंद है। तो देखिए, यहाँ पे हमने सप्लाई दिया तो बल्ब अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है, यानी कि ग्लास चालू है। ऐसा हमें दोनों साइड से चेक कर लेना है।